छाती में दर्द होता है नहीं? अपना स्टैंडर्ड जो है आगे करने की जरूरत है, तो बैडमिंटन खिलाने का ये मकसद था कि आपको एक नई गेम दिखाई जाए कि ये भी कोई गेम है, और दो चार लोगों को रैकेट मिल गया प्राइज में, स्कूल में भी हमने दिया है, उसको यूज करना चाहिए। थर्डली हमने छोटा सा मेडिकल कैंप कराया आपके स्कूल में वेट वाली मशीन की, और वेट वाला चार्ट भी हम बना के देंगे आपको, ठीक है? तो वेट वाला चार्ट भी बना के देंगे, उसमें हाइट, उम्र, हाइट और वेट। इतनी आप जंक फूड खाओगे, आप खाओगे कुरकुरे और चिप्स चुप्स, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद दूध पियो, उसका दो गिलास खाली चीज़ें महंगी होती है, उसमें हेल्थ जो है होता नहीं है। ये लोग जो भी एग्जाम भी आने वाले, टेंथ वाले बच्चे को या शरीर के साथ साथ दिमाग दोनों चाहिए। आज आपने शरीर वाला काम किया, थोड़ा सा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो आप भी। Once again, smile, ready?
वो शरीफ है। जैदा कौसर है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ हाई स्कूल राणा में। मैं मेंडर गनर्स और इंडियन आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें बोलने का और खेलने का मौका दिया है। मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आगे कहना चाहती हूँ कि वो हमें ऐसे मौके बार बार दें, हमें खेलने का मौका दें, और मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ इस मौके पे डराना ऊपर पंचायत हाई स्कूल डराना आर्मी की तरफ से एक यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया है, और आज यहाँ आर्मी की तरफ से बच्चों के लिए खेलों का मुकाबला, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि बैडमिंटन और दूसरा ये खो खो और ये खेलों का जो है आपस में बच्चों का मुकाबला करवाया है। और यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बड़े एहतमाम किया है, और मैं इस मौके पर आर्मी का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ हमारी पंचायत को बच्चों के खेल के लिए, यहाँ बच्चों के मुकाबले के लिए यहाँ हमारे हाई स्कूल ड्रहना पर जो है इसको चुना है। तो मैं गुजारिश करूँ कि यहाँ खासकर हमारी बच्चियाँ जो हैं वो खेलों में सामने नहीं आती हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ लगा कि बच्चियों का भी आपस में मुकाबला किया गया, और ये खो खो और दूसरा क्या कहते हैं इनको बैडमिंटन का, और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चियां जो हैं इस तरीक़ा से अगर खेलेंगी तो आगे जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, और हमारे बच्चे जो हैं ये खेलों में हिस्सा लेकर जो है इनकी जो है वो इनका हौसला अफजाई होती है। और मैं ये गुजारिश करूँ कि यहाँ आज ये जो कैंप मेडिकल कैंप लगाया है, लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बीमार लोग जो हैं उनके लिए यहाँ दवाई का भी एहतमाम किया है, आर्मी की तरफ से यहाँ डॉक्टर जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं यहाँ पे आर्मी का जो है ये प्रोग्राम आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यहाँ ऐसे इस किस्म के मेडिकल कैंप लगते रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी जो है आर्मी की तरफ से इस तरीके से बच्चों के लिए जो है सुकूनों में ये मुकाबले, खेलों के मुकाबले और ये मेडिकल कैंप जो यहाँ बॉर्डर इलाका में ये दूर दराज फार फ्लंग एरिया के अंदर जो है आर्मी जो है हमारे लोगों की जो है ये हौसला अफजाई करती है और हर किस्म की जो है मदद करती है, कहीं पानी का मामला हो, कहीं दूसरी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है आर्मी का ये आज मैं समझता हूँ कि एक लोगों के साथ, बच्चों के साथ और यहाँ स्कूल के जो जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ जो है ये इंट्रैक्शन जो है ये काबिल मुबारकबाद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के लिए भी इस तरीके से ये कैंप लगते रहेंगे। और मैं गुजारिश करूं कि यहाँ आज दोबारा मैं मुबारकबाद करता हूँ आर्मी का कि इन हमारे लोगों की तरफ से भी उनका शुक्रिया है, तो मैं इसी पे इक्तफा करूँगा। शुक्रिया।